रेडिएशन सोर्स दो टाइप के होते हैं, नंबर वन नेचुरल सोर्स, नंबर टू मैन मेड सोर्स। मैन मेड सोर्स को हम आर्टिफिशियल सोर्स भी बोलते हैं। अगर बात करें हम रेडिएशन एक्सपोजर की, 82% रेडिएशन हमें नेचुरल सोर्स से मिलती है और 18% रेडिएशन हमें आर्टिफिशियल सोर्स से मिलती है। नेचुरल सोर्स को समझने के लिए हम नेचुरल सोर्स को चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नंबर एक कॉस्मिक रेडिएशन, नंबर दो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, नंबर तीन इंटरनल रेडियो आइसोटोप, नंबर चार रेडोन गैस। इन सब में रेडोन गैस का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है, इट्स अबाउट 55%। कॉस्मिक रेडिएशन का कंट्रीब्यूशन 8%, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का कंट्रीब्यूशन 8% और इंटरनल रेडियो आइसोटोप का कंट्रीब्यूशन 11% होता है। Now we discuss about cosmic radiation. Cosmic radiation charged particle से मिलके बनी होती है, जिसमें प्रोटोन, अल्फा पार्टिकल और हैवी न्यूक्लाई जैसे हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं, जिनमें 80% पार्टिकल प्रोटोन के होते हैं, जिनकी एनर्जी 10^8 to 10^20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और ये स्पेस में लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड में ट्रेवल करती है। इफ वी टॉक अबाउट सोर्स ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन, देयर आर 4 मेजर सोर्स इन द यूनिवर्स। नंबर वन सोलर फ्लेयर। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार सन के सेंटर से निकलने वाली प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड के डिस्टरबेंस की वजह से सन के सरफेस पर एक बड़ा एक्सप्लोशन होता है और इस एक्सप्लोशन और धमाके की वजह से लाखों करोड़ों चार्ज पार्टिकल क्रिएट होते हैं और स्पेस में ट्रेवल करते हैं, जिसे हम सोलर विंड के नाम से जानते हैं और इन्हीं चार्ज पार्टिकल को कॉस्मिक रेडिएशन कहा जाता है। कॉस्मिक रेडिएशन सन के अलावा इंटरगैलेक्टिक स्पेस, सुपरनोवा एक्सप्लोशन और ब्लैक होल से भी ओरिजिनेट होती है और पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। चलो आप जानते हैं जब कॉस्मिक रेडिएशन स्पेस में ट्रैवल करती हुई अर्थ तक पहुंचती है तो क्या होता है? क्या कॉस्मिक रेडिएशन डायरेक्टली अर्थ सरफेस को हिट करती है या फिर कॉस्मिक रेडिएशन अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाती? जैसा कि हमको पता है अर्थ एक मैग्नेट की तरह होता है, जिसका एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल होता है और हमारी अर्थ चारों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड से घिरी होती है, जिसे हम मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। मैग्नेटोस्फीयर अर्थ की तरफ आने वाली कॉस्मिक रेडिएशन को डाइवर्ट करके अर्थ तक आने से रोकती है। इस तरह मैग्नेटोस्फीयर हमारी अर्थ के लिए एक शील्ड का काम करती है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसे कॉस्मिक रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, आइए जानते हैं। जैसा कि हमें पता है कॉस्मिक रेडिएशन चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी होती है। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करता है तो उस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। फोर्स लगने की वजह से चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह जब कॉस्मिक रेडिएशन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कॉस्मिक रेडिएशन डाइवर्ट हो जाती है। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द कॉस्मिक चार्ज पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कॉस्मिक रेडिएशन। 80% कॉस्मिक रेडिएशन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कम हो जाती है। बची हुई कॉस्मिक रेडिएशन अर्थ के एटमोस्फेयर में एंटर करती, उसके बाद कॉस्मिक रेडिएशन एटमॉस्फेयर में मौजूद गैस मॉलिक्यूल लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इनके साथ इंटरैक्ट करती है और इस इंटरैक्शन की वजह से सेकेंडरी चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, मियोन्स जैसे पार्टिकल क्रिएट होते हैं और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी रिलीज होती है। इस इवेंट को हम शावर ऑफ सेकेंडरी रेडिएशन कहा जाता है। इस तरह कॉस्मिक रेडिएशन डायरेक्टली अर्थ सरफेस तक नहीं पहुँच पाती, इसीलिए ग्राउंड लेवल पर कॉस्मिक एक्सपोजर हमें केवल मियोन्स, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से मिलता है। कॉस्मिक एक्सपोजर अर्थ पर सब जगह एक जैसा नहीं होता। कॉस्मिक एक्सपोजर इज वेरीज विद लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड।
अर्थ के इक्वेटर पर कॉस्मिक एक्सपोजर मिनिमम होता है और साउथ और नॉर्थ पोल पर कॉस्मिक एक्सपोजर मैक्सिमम होता है। कॉस्मिक एक्सपोजर इस बात पे डिपेंड करता है कि अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पर है। जितनी हाइट पे हम होंगे उतना ही कॉस्मिक एक्सपोजर ज्यादा होगा, और ये पाया गया है कि जो लोग ज्यादा एयर ट्रेवल करते हैं उनको कॉस्मिक एक्सपोजर ज्यादा होता है। दे गेट 1 mSv एडिशनल इक्विवेलेंट डोज पर ईयर। अपोलो 11 सन 1969 में भेजा गया पहला चंद्र मिशन था। इन दैट लूनर मिशन अपोलो एस्ट्रोनॉट रिसीव 2.75 mSv एवरेज इक्विवेलेंट डोज ड्यूरिंग द लूनर मिशन। Now we discuss about terrestrial radiation. Terrestrial radiation क्या होती है और terrestrial radiation हमें किन सोर्स से मिलती है? Earth itself a source of terrestrial radiation. Terrestrial radiation source Earth पे हर जगह होते हैं, जैसे कि air, soil, rocks, food, water. यूरेनियम, थोरियम, रेडियम जैसे हाईली रेडियोएक्टिव एलिमेंट सॉइल और रॉक्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यूरेनियम इज अ हाईली रेडियोएक्टिव एलिमेंट। रेडियोएक्टिव मींस दे एमिट रेडिएशन, क्योंकि यूरेनियम एक हाईली अनस्टेबल एलिमेंट है जो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए खुद को ब्रेक डाउन करता है जब तक वो एक स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, और साथ में अल्फा, बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। ब्रेकडाउन के इस प्रोसेस को रेडियोएक्टिव डीके कहते हैं। रेडियोएक्टिव डीके एक चेन प्रोसेस है। अगर हम बात करें यूरेनियम डीके चेन की, जिसमें एक के बाद एक न्यू सब्सटेंस बनता है जिन्हें हम डीके प्रोडक्ट कहते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यूरेनियम और इसके साथ इसके डीके प्रोडक्ट जैसे थोरियम, रेडियम, रेडोन, ये सभी रेडियोएक्टिव सोर्स है जिससे हमें टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एक्सपोजर मिलता है। एंड दीज टेरेस्ट्रियल सोर्स कंट्रीब्यूट टू एक्सटर्नल एक्सपोजर फॉर अस, एंड एक्सटर्नल एक्सपोजर फ्रॉम टेरेस्ट्रियल रेडियो न्यूक्लाइड अकाउंट एन इक्विवेलेंट डोज ऑफ 0.48 mSv पर ईयर। रेडोन और थोरोन बोथ आर हाईली रेडियोएक्टिव गैसेस, बोथ आर डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम एंड दे गिव इंटरनल एक्सपोजर टू अस। ये हार्मफुल रेडियोएक्टिव गैसेस सांस लेते समय हमारे लंग्स में एंटर करती है, लंग्स के अंदर डिपॉजिट होके डीके करती है जिससे अल्फा पार्टिकल रिलीज होते हैं जो हमारे लंग्स को डैमेज करते हैं। Ingestion of food is also another source of internal exposure. कई बार थोड़ी मात्रा में यूरेनियम और थोरियम पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं और पानी पीते टाइम हमारी बॉडी में एंटर करके डोज डिपॉजिट कर सकते हैं। उसी तरह कुछ ऐसे फूड आइटम होते हैं जिनमें नेचुरली रेडिएशन सोर्स पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बनाना जिसके अंदर पोटेशियम नाम का रेडियो आइसोटोप पाया जाता है, इसकी हाफ लाइफ 1.3 billion ये होती है। ये हमारी बॉडी में बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन एमिट करता है।